ये बाजारू लोग और नबी की महफिल बारगाहे रसूल में जब सहाबा हाजिर होते थे, अल्लाह रसूल ने इरशाद फरमा दिया कि नबी की आवाज पर अपनी आवाजों को बुलंद मत करो। हजरत उमर फारूक आजम अपने वक्त का वो सिकंदर जिसके आने से शैतान अपना रास्ता बदल देता है, जब वो हुजूर की बारगाह में हाजिर होते थे तो अपने मुंह में कंकरियों को रख लिया करते थे कि कहीं हमारी आवाज हुजूर की आवाज पर बुलंद ना हो जाए। तो ये हुजूर की बारगाह का अदब जो हमें और आपको इसी तरीके से संजीदा महफिलें अच्छी लगती। अब रही नात पढ़ने की बात, तो माशाल्लाह कारी साहब क़िबला के पास आवाज भी है, लहर भी है, तरन्नुम भी है, तर्ज भी है, और हमारे खानदान के करीब से भी कभी तरन्नुम नहीं हो सकता। तो दो तीन शेर बस मैं पढ़ता हूँ, छोटे छोटे शेर हैं इसीलिए सिर्फ स्टेज बाद में ही पढ़ता हूँ, बड़े शेर होते तो आप तक पेश करता हूँ। जाने आलम शाफे रोजे जजा को देखकर, जाने आलम शाफे रोजे जजा को देखकर, वज्द में है अहले महशर मुस्तफा को देखकर, जाने आलम शाफे रोजे जजा को देखकर, वज्द में है अहले महशर मुस्तफा को देखकर, सुर्ख धारीदार चादर से बेतन जूही किया, चांद भी शर्मा गया बख्त। जाने आलम शाफे रोजे जजा को देखकर, सुर्ख धारीदार चादर से वतन जूही किया, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देखकर, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देखकर। और ये जो शेर है इसमें वजीफा है जो हमने खुद जाती तौर पर किया है, और जब पढ़ने के लिए पहले दिन मदरसे में गए तो चूंकि जिस मदरसे में हम पढ़े हमारे वालिद साहब ही उस मदरसे के नाज़िम आला, तो पहले दिन बुला करके दरसे निजामी की किताबें हमको बाद में दी, फिर बार बाद में समझाया गया मसादे के पेचो खम से, बाद में हमको आशना करवाया गया, लेकिन पहले बुला करके एक किताबचा दिया और उसमें एक वजीफा लिखा हुआ था और कहा कि बेटा जब किसी मुश्किल या परेशानी में पढ़ा करो तो इस वजीफे को याद कर लो और तुमको यही जो है परेशानी से निकालेगा, यही तो हमको पढ़ना है। तो वो वजीफा जो है वो इन दो मिसरों में खास तवज्जो का तालिब हो, जाने आलम शाफे रोजे जजा को देखकर, वज्द में है अहले महशर मुस्तफा को देखकर, सुर्ख धारीदार चादर से बेतन जूही किया, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देखकर, चांद भी शर्मा गया बदरुद्दुजा को देखकर, तो किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, मुर्तजा व फातिमा व अब्राहिमा को है सारे आलम शाफे वक्त में है अहले महशर। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने आमदे मुस्तफा, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, किस कदर तस्कीन मिलती थी नबी के कल्ब को, मुर्तजा व फातिमा व अब्राहिमा को है है को देखकर। और चलते चलते ये मनकवत का शेर भी समाप्त कर लें, मुर्तजा व फातिमा व बिनाहुमा को देखकर, मुर्तजा व फातिमा व बिनाहुमा को देखकर, और अल्लाह अल्लाह जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, अल्लाह अल्लाह जन्नती हूरों को ये क्या हो गया, सब ने चेहरे ढक लिए भी फातिमा, अल्लाह अल्लाह जन्नती है बाबा बाबा, अल्लाह अल्लाह सबने चेहरे ढक लिए भी आलम शाफे रोजे जजा को देखकर, मुकद्दर की हैसियत से किसी महफिल में जाने का सबसे बड़ा मकसद यही है कि आखिर में वहां पर आता है जब तक लोग थक चुके होते हैं और आधी महफिल आए, जब हम आए थे तब आप लोग भी ज्यादा थे, अब कम हो चुके,
पहले पूरे 1 किलो थे, अब 500 ग्राम बचे। तो इसी से हमको काम चलाना है। जब जब मैं यहाँ आया तो मुझे इशारा किया गया, चल इत्तेफाक ये कि जो बोल करके आया उसी की तरफ इशारा किया। मैं कह मिला दिवस कमा के ताल्लुक से क्यों मनाई जाती है, क्यों सजाई जाती है, क्यों बसाई जाती है, ये कुछ रोशनी डाले। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके उपदेश गुजार करूँगा इन सरकारी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के चंद मिनट आपके सामने रखूंगा, उसके बाद जानते तमाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद, आपने ये महफिल सजाई, रुपए पैसे खर्च किए, लाइटें लगाई, मैदान बनाया, माइक को लगाया, हम लोगों को बुलाया, और उसके बाद जो है इन सारे इंतजाम को आपने किया कि इसके बदले में आपको फायदा क्या है ना। हर चीज दुनिया में फायदे के लिए की जाती है। आप काम करने जाते हैं तो उसके बदले में, उसके एवज में आपको मजदूरी मिलती है, आप कुछ पैसे कमाते हैं, आप खाना भी खाते हैं तो इसीलिए खाते हैं कि ताकि आपके जिस्म में जान आ जाए, आप सोते भी हैं तो इसीलिए सोते हैं ताकि तरोताजा होकर उठे। तो हर काम जो है दुनिया में किसी ना किसी मकसद के तहत आ जाता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल को क्यों सजाया जाता है, क्यों बसाया जाता है? तो उसका जवाब ये भी लोग सवाल करते हैं कि हुजूर की महफिल को सजाते हैं तो क्या कभी हुजूर ने भी अपनी महफिल को सजाया, क्या हुजूर ने भी कभी जो है अपनी आमद की खुशी मनाई? तो उसका जवाब तो बड़ा वाज़ह है कि आप जब सिया सिद्दा की किताबों को उठा कर देखेंगे तो उसमें एक बड़ी रोशन किताब है जिसको मुस्लिम शरीफ कहते हैं, उसकी हदीस है, उसमें हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर महीने की 12 तारीख को और हर हफ्ते के पीर शरीफ के दिन को रोजा रखा। हुजूर से पूछा गया कि हुजूर इस दिन क्यों रोजा रखते हैं पीर के दिन, तो फरमाया कि ये वही दिन है कि जिस दिन मैं इस दुनिया में भेजा गया और ये वही दिन है जिस दिन मुझ पर पहली मरतबा वही उसकी खुशी मनाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका शुक्र रब का अदा करने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन रोजा रखते। अब ये नबी के शान के लायक जो चीजें थी वो किया करते थे। आजकल के लोग होते तो वो अपना जन्मदिन या अपना जन्म दिवस जो है वो केक काट करके मनाते, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि वो अपने आमद की खुशी पीर के दिन रोजा रखते। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर, मैं बताना जो बात आपसे चाह रहा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मदीने की गलियों से हो रहा, साथ में हजरत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। हुजूर का गुजर एक अंसारी सहाबी के घर के करीब से हुआ, नाम है हजरत आमिर अंसारी। तो हुजूर ने उनके घर के अंदर से कुछ आवाज आती हुई, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कोई आवाज कह रहा है, कोई तकरीर कर रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहर गए, ठहर करके सुनने लगे। थोड़ी देर सुनने के बाद हुजूर आगे बढ़े और उनके दरवाजे पर दस्तक दी। हजरत आमिर अंसारी निकल करके बाहर देखा तो सामने दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ात खुद मौजूद। जब देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने से ही सवाल किया, कहा आमिर क्या कर रहे हो? कहा कि हुजूर मैं अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बिठा करके आपका मीलाद सुना रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पैदा हुए, हुजूर के आने के बाद दुनिया का रंग किस तरीके से बदला, हुजूर मेरे आका किस तरह चलते हैं, हुजूर के बोलने का अंदाज क्या है, रफ्तार क्या है, किरदार क्या है, गुफ्तार क्या है, ये मैं अपने बच्चों को सिखा रहा था, बता रहा था। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो सुन करके मुस्कुराने लगे और कहा कि आमिर तुमने ऐसा काम किया है कि जिसको सुन करके, जिसको देख करके, तुम्हारे समन से खुश हो करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर वालों के लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है, और साथ ही साथ अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए मगफिरत की दुआएं की। जब हजरत आमिर अंसारी ने सुना तो और कोई होता तो शायद सुन करके चुप हो जाता और खुश हो जाता, लेकिन वो
सामने भी जो मौजूद थे वो सहाबी थे, यही पर इत्तफा नहीं किया बल्कि कहा कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते तो मेरे लिए मगफरत की दुआएं करते हैं, लेकिन क्या आप भी खुश हुए या नहीं? तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराने लगे और कहने लगे, आमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे लिए रहमत के दरवाजों को खोल दिया है, फरिश्ते तुम्हारे लिए मगफरत की दुआएं करते हैं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो अमल तुमने किया है कयामत तक कोई भी मेरा उम्मती इस अमल को करता रहेगा मैं उसकी मगफरत करता रहूंगा, और भरोसा कयामत मैं उस वक्त तक जन्नत में दाखिल नहीं होऊंगा जब तक अपने उस गुलाम को जन्नत में शामिल। और यार सबूत देने की जरूरत तो होनी ही नहीं चाहिए, जिस आका का हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके सदके में हमें बोलना आया, जिनके सदके में हमें खाने पीने का शऊर आया, जिनके सदके में हमें पहनने ओढ़ने का शऊर आया, जिनके सदके में हम जानवर से इंसान बने हैं, उनकी मिलाद का अगर सबूत माना मांगा जाए कि बताओ कि नबी की पैदाइश हुई इसको मनाने का सबूत कहाँ है, तो मेरे समझ मेरे ख्याल से और मेरी समझ के मुताबिक इससे ज्यादा घटिया बात कोई हो ही नहीं सकती। हजरत अजीम उल बरकत की 6 बरस की उम्र शरीफ मोहल्ला सौदा गिरान में मीलाद मुस्तफा की महफिल सजाई गई, 6 बरस की उम्र शरीफ में आला हजरत पहली मरतबा मिंबर पर बैठे, मेंबर पर बैठने के बाद हम और आप सामने मौजूद नहीं थे, ऐसे ऐसे उलमा सामने मौजूद थे कि शायद अलग अलग दौर में आते तो वो सब के सब मौजूद थे, ऐसे उलमा के सामने तकरीर की, और उस तकरीर का दौरानिया ड्यूरेशन 2 घंटे था, मिलाद मुस्तफा पर आप बोले, और सबसे पहला पॉइंट जो मेरे सरकार आला हजरत ने टच किया वो यही था कि फरमाया कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो सबसे पहले अपने रब की हमद व सना बयान की, और हमद व सना बयान करने के बाद जो सबसे पहला काम किया तो हुजूर के लबों पर अपने उम्मतियों का नाम आया और अपने उम्मतियों को याद फरमाया उम्मती 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 कहकर, तो कहा कि जब मेरे आका ने पैदा होते ही साथ अपनी उम्मत को उम्मती उम्मती कहकर के याद किया तो जब रबीउल अव्वल का महीना आता है तो क्यों ना उनका गुलाम उनको नबी नबी कहकर के कहा कि हम नमक हलाल है नमक हराम नहीं है, मेरे आका ने हम गुलामों को उम्मती उम्मती कहकर के याद किया है तो हम नमक हलाल होने का सबूत पेश करते हुए अपने नबी को नबी नबी कहकर ये हमारे आका के ये जो कैनवस है ना मीलाद का ये बहुत वसी है, इसके मैं नुक्ते निकालता जाऊं और आपके सामने पेश करता जाऊं तो बात यही तमाम होती है, लेकिन हमको थोड़े से वक्त में अपनी बात को समेट करके आपको महजूर भी करना है ताकि मीलाद मुस्तफा की जो महफिल आपने बचाई और बसाई है इसका भी आपको भरपूर फायदा हासिल हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ने अपने महबूब को सबसे आखिर में भेजा, गोया कि सबसे आखिर में पैदा करना है, हालांकि ऐसा नहीं। जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है कब जाअकुम मिन अल्लाह, इसकी तफसीर के साथ ये मुहर बयान लिखते हैं, अब वला مخلوق لما خلقه الله شاهد بوحدانية الحق وشاهد بما اخرج من العدم الى الوجود کہ اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو بنانا چاہا جب اپنی مخلوق کو تخلیق دینا چاہا تو سب سے پہلے اپنے نور سے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا چاہا پھر اس نور سے کائنات کی ہر چیز کو بنانا سارے انبیاء اسی نور سے پیدا کیے گئے سارے مرسلین عرش اعظم ساتوں آسمان زمین کے ساتوں طبق دنیا میں جتنی ہریالی جتنی خوبصورتی آپ دیکھتے ہیں سب کچھ اسی نور کا صدقہ اور پھر ساری دنیا کو سجانے کے بعد جب دنیا مکمل طور سے تیار ہو گئی سارے انبیاء کو بھیجا انبیاء کرام آتے رہے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے رہے لوگوں کو
लोगों तक तबलीग की दावत देते रहे, सारे अंबिया आ आके जाते रहे, मुरसलीन आए गए, किताबें आई गई, सही पे आए गए, शरीयतें आए बदलती रही, और फिर जब एक वक्त ऐसा आया कि पूरे आलम में तारीकी छा गई, अरब का वो बंजर मैदान था जहां पर बेटियों को पैदा होते ही साथ जिंदा गाड़ा जाने लगा, जहां शराब नोशी इतनी आम हो गई कि लोग पानी से ज्यादा शराब का इस्तेमाल करने लगे, जहां लोगों के घरों के बाहर शराब की नालियां बहने लगी, जहां लोग अपनी सगी माओं से अपने बाप के मर जाने के बाद निकाह करने लगे, यहां मुल्क हिंदुस्तान में शौहर के मर जाने के बाद बीवी को सती करने का हुक्म दिया गया कि या तो तुम एक काली कोठरी में हमेशा के लिए बंद हो जाओ या फिर अपने शौहर के साथ उसी की चिता के साथ जलकर के राख हो जाओ। पूरी दुनिया में ऐसा माहौल छाया, ये यूरोप जहां पूरी दुनिया जिसकी आज मिसालें पेश करती है, उस यूरोप का हाल ये था कि रक्से बिस्मिल की महफिल सजाई जाती थी, जहां पूरे शहर के लोग इकट्ठा कर हुए किए जाते थे, फिर किसी एक शख्स को इतनी शराब पिलाई जाती थी, इतनी शराब पिलाई जाती थी कि वो अपना होश खो बैठता था, होश बाख्ता हो जाता था, और होश खोने के बाद वो रक्स करने लगता था, घूमने लगता था, और जब वो पूरा मस्त हो जाता, जब अपना होश खो बैठता, तो घूमते घूमते उसकी गर्दन को तलवार से मार दिया जाता था, तो उसकी गर्दन एक तरफ जाकर के गिरती थी, धड़ दूसरी तरफ जाकर के गिरता था, और काफी देर तक वो धड़ उसी तरह नाचता रहता था। यह हैवानियत लोगों में फैल चुकी थी, और जिस यूरोप की आज आप और हम मिसालें देते हैं, पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है, उनका हाल ये था कि 6-6 महीने तक बल्कि 1-1 साल तक वो लोग नहाते नहीं थे, और उनकी जिस्मों से इतनी बदबू आने लगती थी कि वो अपने एक दूसरे की बदबू को सूंघ सूंघ करके बेहोश हो जाते थे, पास सूरतों में मर जाते थे, इतनी गंदगी इस दुनिया में फैली हुई थी, शराब नोशी आम हो चुकी थी, जिनाकारी आम हो चुकी थी, चोरी चकारी को कोई गुनाह नहीं समझता था, जुल्म बर्बरियत के बादल तमाम आलम में छाए हुए थे, ऐसे आलम में जहां पर कोई किसी का सुनने वाला नहीं था, कोई किसी का हामी और नासिर नहीं था, कोई किसी का मददगार नहीं था, वहां 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त मक्का मुकर्रमा में आमिना बी के घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को पैदा किया, और ऐसे ही हालत में पैदा किया कि आसमान रोशन हो गया, जमीन रोशन हो गई, पेड़ पौधे जो सूख गए थे, कहत सारी पड़ी हुई थी, वो पहले की तरह लहलहाने लगे, जो जानवर दूध देना बंद कर चुके थे, उन जानवरों के थन फिर से दूध से भर जाते हैं, जो सड़कें खुश्क हो चुकी थी, वो खुशबू से मुअत्तर हो जाती हैं, और 12 रबीउल नूर के दिन मेरे आका और मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस खानदान गीती पर तशरीफ लाते हैं, और कदम रखते ही मक्का का हाल ये हो जाता है कि जो रेगिस्तान था वो लालाजार बन जाता है, जो सूखा पड़ा था वो नबी की आमद की रहमतों की बारिश से जो है भीग करके तर हो जाता है, नबी की आमद की बरकतों से ऐसी झमाझम बारिश होती है कि सारा माहौल जो है वो सरसब्ज और शादाब हो जाता है, और पूरे आलम में मुस्कुराहट की लहर फूट जाती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ये आखिर जमा दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अपने रब की हमद और सना बयान करते हैं, फिर सजदे में तशरीफ ले जाते हैं, और अपनी उम्मत को उम्मती उम्मती कहकर के याद करते हैं, गोया के पैगाम दे रहे हैं, ए बेटियों घबराओ नहीं, तुमको इंसाफ दिलाने वाला आ गया, ए बेवाओ तुम लोग घबराओ नहीं, तुम्हें इंसाफ दिलाने वाला आ गया, ए गरीबो तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे हाथ को थाम करके चलने वाला आ गया, ए फकीरो तुम घबराओ नहीं, तुमको तुम्हारा इंसाफ दिलाने वाला आ गया, अब कायनात में एक ही सिक्का चलेगा, और वो सिक्का होगा तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत के सिक्का, नारे तकबीर नारे रिसालत जिसने आमदे मुस्तफा अहमदे मुस्तफा मसल के आला हजरत फरमाए हिले सुन्नत। अच्छा हुजूर की विलादत भी कितनी नफीस है, आपने अक्सर ये गौर और फिक्र किया हो शायद कि आपको अपनी विलादत की तारीख मालूम है, इतनी तारीख को मैं पैदा हुआ, सब दिन मालूम होगा किस दिन पैदा हुए, महीना मालूम होगा किस महीने में पैदा हुए, सन मालूम होगा कि किस सन में पैदा हुए, ज्यादा से ज्यादा आपको वक्त मालूम होगा कि इतने बजकर इतने मिनट पर हम पैदा हुए, वो भी आपके माँ बाप ने, आपके बड़े भाई बहनों ने, आपके रिश्तेदारों ने आपको बताया,
इसके अलावा दुनिया का कोई कितना भी बड़ा शख्स हो, चाहे कितना भी बड़ा स्टार हो, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, उसकी विलादत की कोई खबर नहीं होती कि वो कैसे पैदा हुआ, जब वो पैदा हुआ तो उसकी माँ कितनी तड़प रही थी, बच्चा कितना रो रहा था, उसकी पैदाइश के वक्त उस कमरे में कितने लोग मौजूद थे, ये सारी बातें बताई जाती हैं, नहीं बताई जाती है। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी विलादत की, अपनी पैदाइश की तारीख मालूम होगी, सन मालूम होगा, दिन मालूम होगा, वक्त मालूम होगा। इसके अलावा विलादत के वक्त सूरत हाल क्या थी वो किसी को नहीं मालूम होता। क्यों नहीं मालूम होता? क्योंकि ये कोई बताने वाली नफीस चीज नहीं होती। इंसान जो है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि एक नापाक लोथड़े से इंसान पैदा किया गया, तो जब विलादत का जो वक्त होता है वो इतना नफीस नहीं होता कि उसको लोगों के सामने बयान किया जाए, खुशी का इजहार किया जाए। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे आका पर, जब से आप हजरत अब्दुल्लाह की पुश्त से निकल करके आमिना बी के बतने किया है, और जब तक मेरे आका पैदा नहीं हो गए हैं, उस वक्त तक की हर हर बात किताबों में मौजूद है कि जब मेरे आका हजरत आमिना बीबी के बतने अतहर में आए हैं, तो हजरत आमिना बीबी फरमाती हैं कि जिस तरीके से औरतों को तकलीफें हुआ करती थी, मेरे बेटे मोहम्मद ने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी। लोगों के जिस्मों से बदबू आया करती है, जब मेरा बेटा मोहम्मद मेरे बदन में आया तो मेरे पास से खुशबू फूटती थी, और ऐसी खुशबू फूटती थी कि खुदा की कसम पहले जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू नहीं सूंघी है। जब मैं पानी भरने के लिए जाया करती थी तो पेड़ मेरे ऊपर साया कर दिया करते थे, जब मैं कुएं में पानी भरने के लिए बर्तन डालती थी तो पानी कुएं का खुद ब खुद ऊपर आ जाया करता था, जब मैं अरब के चटीले मैदानों में अपने पांव को रखती थी तो वो जो चटीले मैदान थे वो मोम की तरह पिघल करके मेरे पैर का नक्श अपने अंदर जज्ब कर दिया करते थे। ये हजरत आमिना भी फरमाती है, और कहा मेरे बेटे मोहम्मद ने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, बल्कि रात के वक्त जब मैं सोने की कोशिश करती थी और आसमान की तरफ निगाह उठा करके देखती थी तो ऐसा लगता था कि फलक के चांद सितारे उतर कर मेरी गोदी में समा जाएंगे। जब मैं सोती थी तो कभी हजरत महबूबा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाती थी, जब मैं सोती थी तो कभी हजरत आसिया मेरे ख्वाब में तशरीफ लाती थी, जब मैं सोती थी तो कभी हजरत मरियम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाती थी, जब मैं सोती थी तो कभी हजरत हाजरा, कभी हजरत सारा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाती थी, और आकर ये माएं, ये नबियों की माएं मुझे बशारत देती थी कि मुबारक हो आमिना, तुम्हारे घर में नबियों का सरदार पैदा होने वाला है, मुबारक हो आमिना, तुम्हारे घर में खत्मुल मुरसलीन पैदा होने वाले हैं, मुबारक हो आमिना, तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा होने वाला है जिसको रब ने दोनों आलम के लिए रहमतुल आलमीन बना कर भेजा है। इस तरीके की मुबारकबाद दिया मिलती रही, खुशबुएं फूटती रही, और मेरे आका की विलादत का वक्त जब करीब तर हो गया तो हजरत आमिना फरमाती है कि जब मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत का वक्त करीब आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मैंने आंखों को उठा करके देखा तो मैं देख रही हूँ कि आसमान से फरिश्ते चले आ रहे हैं, आसमान से फरिश्ते उतरते आ रहे हैं, और साथ में तीन झंडे लिए हुए हैं। एक झंडा मशरिक के सबसे आखिर में नसब कर दिया गया, दूसरा झंडा मगरिब के सबसे आखिर में नसब कर दिया गया, तीसरा झंडा काबतुल्लाह की छत पर नसब कर दिया गया, और मैं देख रही हूँ कि काबे के जो मीनारे हैं वो मेरी गोटनी की तरफ झुके चले आ रहे हैं, और इतनी रोशनी फूटी कि मैंने अपने घर में बैठे बैठे मुल्क शाम के महलात में टहलने वाली ऊँटनियों के गले में पड़ी हुई घंटियों को भी देख लिया है, इतनी रोशनी फूटी कि मैंने सारे आलम का मुशाहिदा कर लिया है। और यहाँ पर रुक करके एक बात बताना चाहता हूँ, कि किसी भी मकतबे फिक्र की किताब को आप उठा करके देख लें, किसी भी मसलक की किताब को आप उठा करके देख लें, ये 100-150 साल की बात आप छोड़ दें, 300 साल पीछे चले जाएं, 400 साल, 500 साल, 700 साल पीछे चले जाएं, और किसी भी मजहब की, किसी भी मकतबे फिक्र की किताब को आप उठा करके देखेंगे तो कोई भी इस बात का इनकार नहीं कर सकता है कि नबी की विलादत के वक्त झंडे नसब हुए थे या नहीं हुए थे। सारे लोगों को एक जबान कहना पड़ेगा कि हाँ हाँ, जब मेरे आका की विलादत हुई थी तो हजरत आमिना ने झंडों को नसब होता हुआ देखा था, एक झंडा काबे की छत पर लगाया गया था, एक झंडा मशरिक में नसब किया गया था, एक झंडा मगरिब की नसब
मगरिब में नसब किया गया था। अब ये तो सारी किताबों में मिलता है, एक झंडा काबे पे लगा था, एक झंडा मशरिक में लगा था, एक झंडा मगरिब में लगा था, लेकिन ये किसी किताब में नहीं मिलता है कि हम झंडों को उतारा कब पे गया। ये किसी किताब में नहीं मिलता है कि हम झंडों को उतारा कब गया। तो गोया के आपको कहना पड़ेगा कि हुजूर की विलादत के वक्त एक झंडा जब काबे के ऊपर लगाया गया तो वो हमेशा के लिए लगा दिया गया, एक झंडा जब मशरिक में लगाया गया तो वो हमेशा के लिए लगा दिया गया, एक झंडा मगरिब में जब लगाया गया तो हमेशा के लिए लगा दिया गया, ताकि आने वाली तमाम मखलूक देख ले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब का इस्तकबाल इस दुनिया में किस तरह से किया। और ये भी आपको कहना पड़ेगा कि इश्क वाली आंखें होती हजरत आमिना बीबी जैसी तो शायद हमें और आपको वो झंडे भी दिख जाते जो आज भी काबे की छत पर लहरा रहा है, जो आज भी मशरिक में लहरा रहा है, जो आज भी मगरिब में लहरा रहा है, और हुजूर की मिलाद की खुशियां सारे आलम में तकसीम कर रहा है। मेरे आका की विलादत का वक्त करीब हुआ, खुशबुएं इतनी फूट रही है कि हजरत आमिना फरमाती है कि मैंने कभी कीमती से कीमती खुशबू की महक ऐसी नहीं देखी जो खुशबू मेरे बेटे मोहम्मद की विलादत के वक्त हो। मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, और जब विलादत हुई तो दुनिया के बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका खतना करवाना पड़ता है। मेरे आका जब पैदा हुए तो खतना शुदा पैदा, जब बच्चा पैदा होता है तो नाड़ी को काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है? क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तो उसी नाड़ी के जरिए वो अपनी ग़िज़ा दिलाता है। माँ का जो नापाक खून होता है वही निकल निकल के उस नाड़ी में जाता है और फिर वो बच्चे के पेट में पहुंचता है, उसी के जरिए बच्चा जिंदा रहता है। किसी भी आप डॉक्टर से पूछ लें, दुनिया में कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी मुल्क में किसी के भी घर बच्चा पैदा होगा तो नाड़ी उसकी माँ के पेट से जुड़ी हुई होगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो डॉक्टर उसकी नाड़ी को काटेगा, फिर ला करके उसको नहला धुला करके उसको साफ सुथरे कपड़े में लपेट करके उसके माँ के हवाले उस बच्चे को दिया जाता है। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो नाड़ी कटी हुई है, नाड़ी कटी हुई है। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले ही इरशाद फरमा दिया कि खून पीना ये हराम है, हराम है, हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुद्दम, तुम पर खून पीना हराम है। लेकिन कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता कि माँ के पेट में बच्चे को खून पीना हराम है, क्योंकि उसकी ग़िज़ा ही उसी पर चलती है। कोई मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता कि माँ के पेट में बच्चे का उस नाड़ी के जरिए से खून से ग़िज़ा हासिल करना ये हराम है। लेकिन मेरे आका को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना नफीस पैदा फरमाया, इतना नफीस पैदा फरमाया कि माँ के पेट में भी वो गंदा खून अल्लाह ने अपने महबूब के जिस्म में नहीं पहुंचने दिया। और गोया के ये फरमाया कि मेरा नूर वाला नबी है तो वो भी नूरी ग़िज़ा लेकर के पैदा होगा, वो किसी खून के जरिए माँ के पेट में नहीं। दुनिया की औलादें जब पैदा होती हैं तो रोती हुई पैदा होती है। क्यों रोती है? क्योंकि जैसे ही वो पैदा होते हैं तो शैतान, हदीस शरीफ में आता है कि शैतान जो है वो उनको टोचना लेता है जिसके दर्द की वजह से बच्चे रोने लगते हैं। लेकिन जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मुस्कुराते हुए क्यों मुस्कुराते हुए पैदा हुए? कि जब उनके गुलाम को देख करके शैतान गलियों से दूर भाग जाता है तो उनके करीब आने की औकात क्या है? मेरे आका जब पैदा हुए तो मुस्कुराते हुए पैदा होते ही साथ बच्चे दुनिया के जब पैदा होते हैं तो गंदगी में आलूदा होते हैं, खून में आलूदा होते हैं। बच्चों को नहलाया धुलाया साफ सुथरा किया जाता है। लेकिन मेरे आका जब पैदा हुए थे तो ऐसे साफ सुथरे पैदा हुए थे कि गोया के उनको जन्नती पानी से गुस्ल दे करके पैदा पैदा होने के बाद
सारे आलम में खुशियां फैल गई। सुबह जैसे ही हुई, अच्छा सुबह सादिक के वक्त मेरे यहाँ पे तशरीफ लाए। इस पर भी सवाल एक उठ सकता है कि हुजूर जब तशरीफ लाए तो रात में क्यों नहीं तशरीफ लाए, या दिन के उजाले में क्यों तशरीफ नहीं लाए, सुबह सादिक के वक्त ही क्यों तशरीफ लाए? तो उसका जवाब यह है कि मेरे आका रहमतुल्लाह अलैह, आप किसी का भी हक नहीं मानते हैं, सबको बराबर तकसीम करते हैं, इसीलिए मेरे आका सुबह सादिक के वक्त तशरीफ लाए हैं कि रात जाते जाते हुजूर का दीदार कर ले और दिन आते आते मेरे आका का दीदार। मेरे आका तशरीफ लाए, फजर के बाद का वक्त जब रोशनी फैली तो सारे लोग अपने घरों से निकल करके आए और कहने लगे कि यार आज की सुबह तो बड़ी अजीब सुबह है, आज की सुबह में चमक ही अलग दिखाई दे रही है, चारों तरफ से खुशबूएं फूल रही है, हमारे यहाँ जहाँ तक कहत सारी पड़ी हुई थी, लोगों को पीने का पानी भी मयसर नहीं है, वहाँ पर देख रहे हैं हम कि दरख्त जो है वो लालाजार नजर आ रहे हैं, सब सब्ज़ और शादाब नजर आ रहे हैं, हमारे कोई कह रहा है हमारे जानवरों के थन दूध से सूख चुके थे, लेकिन सुबह जाकर के मैंने अपने जानवरों का जायजा लिया तो उनके थन जो है वो दूध से भरे हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने कल रात को देखा तो मेरे जिस्म में बड़ी तकलीफ थी, मेरे पास बीमारियां बहुत थी, लेकिन सुबह उठा हूं तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे कभी कोई बीमारी हुई नहीं थी। वो सब कह रहे हैं कि ऐसा कल रात में क्या हुआ है कि पूरी हवा फिजा ही बदल गई, पूरी कायनात का नक्शा ही बदल गया, कि इतनी ही देर में हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने शहजादे को अपनी गोद में सजा करके लोगों के बीच लेकर के आ रहे हैं और लेकर जाते हैं तो सीधा काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं। जब काबतुल्लाह के अंदर दाखिल होते हैं तो कुफ्फारे कुरैश देखते हैं कि जो काबतुल्लाह के मीनार है वो आका की तरफ झुके आ रहे हैं, काबतुल्लाह खुद आका की तरफ झुका आ रहा है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ करते हैं, तवाफ करने के बाद जब काबतुल्लाह से बाहर निकलते हैं तो लोग कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब जब तुम जा रहे थे तो ऐसा क्या हो रहा था कि हमको समझ नहीं आ रहा था कि तुम काबतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हो या काबतुल्लाह तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं, बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा मौजूद है उसका ये कमाल है कि जब मैं इसको लेकर के लिए लेकर के निकला हूँ तो पेड़ इसको सजदा करते हुए गिर गए हैं, काबे की मीनारी इसको सजदा करते हुए गिर गई है और खुद काबतुल्लाह करीब खिसक करके मेरे पास। मेरे आका की विलादत हर चविंद के लिए, मलाइका के लिए, जिन्स के लिए, अजिन्ना के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बेटियों के लिए, औरतों के लिए, सबके लिए रहमत है, बरकत है, करम है। ये वही बेटियां थी कि इनको पैदा होते ही साथ जिंदा दफना दिया जा रहा था, क्योंकि अरब के बाप कहते थे कि ये बड़ी हो जाएगी तो हमको इनके निकाह के लिए जहेज देना पड़ेगा, हमको निकाह के लिए, इनका निकाह करने के लिए किसी गैर के सामने अपना सर झुकाना पड़ेगा, इसलिए इससे बेहतर यह है कि हम इनको पैदा होते ही साथ जिंदा जमीन में डालें। ये हाल था माओ का, हाल यह था कि बाप के मर जाने के बाद सगा बेटा अपनी सगी मां से निकाह कर लिया, जिना का ये आलम था कि सगे भाई अपनी सगी बहनों के साथ जिना कर रहे, शराब नोशी का ये आलम था कि पानी कम पिया जाता था शराब ज्यादा। लेकिन मेरे आका जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए हैं, ऐलान नबूवत किया, अपनी शरीयत को लोगों के सामने पेश किया तो नक्शा ऐसा बदला कि जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं तो पूरे मुल्क अरब में सिर्फ 7 लोग पढ़ना और लिखना जानते थे, लेकिन जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो 125,000 लोगों को लिखना और पढ़ना सिखा कर ले गए हैं। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो बेटियों को जिंदा दफन था, लेकिन जब मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ ले गए हैं तो बेटियों को बापों के लिए
डाल दिया है। जब मेरे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो शराब नोशी पानी पीने से ज्यादा हो रही थी, लेकिन मेरे आका जब तशरीफ लाए हैं तो शराब को हराम करार दिया गया है। उसके बाद मक्का में शराब के जब घड़े फूटे हैं तो तारीख दान रकम करते हैं कि घड़े जब फूटे हैं शराब के तो मक्का की गलियों में, मक्का की सड़कों पर, मक्का के मैदानों में ऐसा लग रहा था जैसे शराब की नदियां बह रही हो। मेरे आका जब तशरीफ लाए थे उस वक्त कहा यह था कि सगा भाई अपनी सगी बहन के साथ जना कर ले रहा था, लेकिन मेरे आका जब तशरीफ लाए और जना के बारे में वईदें सुनाई तो एक दोशीजा खातून एक नौजवान को अकेले रात के कमरे में अंधेरे में जना की दावत देती है, लेकिन वो नौजवान थर थर कांपने लगता है, थर थर कांपने लगता है और उस औरत के साथ जना नहीं करता। वो औरत पूछती है कि तुम मेरे साथ जना क्यों नहीं करते, यहाँ तो रात का अंधेरा है, हमको देखने वाला भी कोई तीसरा मौजूद नहीं। तो वो नौजवान कहता है कि भले ही हमको देखने वाला यहाँ पर तीसरा कोई इंसान मौजूद नहीं, लेकिन वो रब्बुल आलमीन तो मौजूद है जो हमें भी देख रहा है तुम्हें भी। हमारे आका की विलादत की बरकत है, बेटियों को जिंदा रहने का हक मिला है तो उन्हीं के दर से, माओं को सर उठा करके जीने का हक मिला है तो उसी दर से मिला है, हमको जिंदगी गुजारने का सलीका आया है तो उसी दर से आया है, दुनिया को इज्जत और आबरू के साथ जिंदगी बसर करने का सलीका मिला है तो उसी दर से मिला। तक हमको महफिल भी समीप ली थी और आवाज भी अब कुछ मुतासर हो रही है, तो बस वहीं पर मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। हुजूर की मिलाद की महफिलें यूं ही सजाते रहे, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी मिलाद सजाएंगे तभी मदीने वाले खुश होंगे। खुलूस और मोहब्बत के साथ दो लोग बैठ करके भी नबी की मीलाद को सजा लेंगे तो उसी में आपका बेड़ा पार हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको सब मीलाद रसूल की महफिल सजाने की बसाने की तौफीक दे, हमारे दिलों को हुजूर के इश्क से मुनव्वर कर, हमारी आने वाली नस्लों को भी गुस्ताख रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत ना बनने दे। महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद अस्तगफिरुल्लाह रब्बिन कुल ज़म्बी व अतूबु इलैह व मा इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सलाम हो जाए देखो मुस्तफा जब दे रहमत तेरा शमे बज में हिदायत पेदा, शमे बज में हिदायत पेदा, जिसमानी घर चमका पाका चांद, जिसमानी घर चमका पाका चांद, उस दिल में जाने रहमत
हाथ पे रखो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह نازل رسول سلام عاشقنا هو قبول السلام والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك شفينا يوم الجزاء لا إله إلا الله محمد رسول الله